वहीं एसपी नेता तेज प्रताप ने भी वोट किया और तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि परिवार में कोई कलह नहीं है और इसका परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कितनी उम्मीद है जीतने की, कितने मतों से जीत रहे हैं? देखिए लास्ट टाइम जीते 80,000 कैसे वोटों से, मुझे लगता हो सकता है इससे ज्यादा भी 1,00,000 तक भी ये जो मार्जिन हो जा सकता। आपको नहीं लगता आपके जितने बड़े नेता हैं जो हैं वो प्रचार करने इस बार अखिलेश यादव अकेले हर जगह उन्होंने थामा हुआ है प्रचार का जिम्मा और बाकी सब दूर है इससे? देखिए मुख्यमंत्री अकेले सब पर भारी हैं और सब पार्टियों के नेता और यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को चुनाव प्रचार में आना पड़ा लगातार तावर को रैलियां कर रहे हैं, तो सभी दलों के नेताओं को बराबर माननीय मुख्यमंत्री अकेले जिम्मा लिए और प्रदेश के लोग भी जो है वो विश्वास उनका माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ उनके अकेले उनके प्रचार से जो है पार्टी हमारी जीत के आएगी। आपको ये नहीं लगता विकास काम बोलता था लेकिन काम बोलते बोलते अचानक ये जो अंतर्कलह आ गई उसका नुकसान हो सकता है? एक अंतर्कलह कुछ दिन के लिए थी और दिक्कतें थी लेकिन सही समय पर उसका पदक्षेप हुआ और चुनाव ठीक पहले सब लोग जो है चुनाव प्रचार में गए, मुझे लगता नहीं कि अब कोई ज्यादा इफेक्ट उसका पड़ेगा। अगर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो प्रचार में भी अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बयान देते हैं, अब किस बयान के बारे में आप बात करें उसको मैं जानकारी नहीं और बात होगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ तेज प्रताप जी, जिनका कहना था कि साइकिल इस बार स्पीड पकड़ेगी और जीतेगी भी और जो अंतर कर रही थी उसका पटाक्षेप हो चुका है। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं दीपाली शुक्ला, इंडिया 24/7। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने भी लखनऊ में वोट किया और वोटिंग के बाद कलराज ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कलराज ने कहा कि बीजेपी लखनऊ में सभी सीटें निकाल रही है। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र अब से कुछ देर पहले मतदान करके आए हैं परिवार के साथ। कलराज जी, आपने वोट डाला है, क्या कहेंगे दूसरे जो मतदाता है? मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रभावी विजय होगी और पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान गया है और उस रुझान के आधार पर इस चरण में मुझे जो सारा दृश्य दिखाई पड़ा है लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। कलाजी, लखनऊ से आपने प्रतिनिधित्व किया है और 2012 में हमने देखा बहुत एक सीट आपकी ही मिली थी भाजपा को लखनऊ से, तो लखनऊ में क्या देख रहे हैं? लखनऊ में हम सभी सीटें जीतेंगे, जो वातावरण दिख रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सीटें जीतेंगे। अखिलेश और मायावती का कहना है कि बीजेपी कहीं नहीं है लड़ाई, उनको यही कहना चाहिए जो कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि दूसरे तीसरे के लिए उनकी लड़ाई हो रही है, अब कौन दूसरा होगा कौन तीसरा होगा तय करेंगे। पहले पर भारतीय जनता पार्टी तो है। तो कल आज मिश अपने परिवार के साथ आज उन्होंने मतदान किया है और पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है और अखिलेश और मायावती आपस में दूसरे और तीसरे स्थान के लिए अपनी जगह निश्चित कर लें।